ईद की शॉपिंग के लिए बोनस डे, मॉल्स और मार्केटों में रश। खवातीन कपड़े खरीद चुकी, मैचिंग की चूड़ियां और जूतों की तलाश। ज्वेलरी की दुकानों पर रश, ब्यूटी पार्लर्स पर बुकिंग खत्म। बच्चों की एक के बाद दूसरी फरमाइशें, मर्द हजरात भी किसी से पीछे नहीं है। कपड़ों जूतों के बाद अब सैंडल्स और सैलून का रुख कर लिया। हेयर कटिंग और फेशियल के लिए मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे। इलेक्शन से बाद की हुकूमत की फुर्तियां, अदालतें उज़्मा के रोकने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने बिल गजट नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया। बिल 10 अप्रैल को दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया था। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने बिल रोकने का हुक्म जारी किया। माहरीन के मुताबिक अदालती हुक्म के बाद बिल नाफिज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहाती बिल का नोटिफिकेशन अदालत उज़्मा के फैसले की खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा हुकूमत को कानून में दो तिहाई अक्सरियत से तरमीम करना होगी। पीडीएम मुज़ाकरात पर कंफ्यूज है, हुकूमत से अभी तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। शेख रशीद की बोल से गुफ्तगू, बोले हुकूमत लड़ाई झगड़े के मूड में है, ये अपने लिए खुद गड़ा खोद रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इन्हें आर्टिकल 6 के गड़े में रगड़ेगी। हुक्मरान इतिहाद में खिलाफात, पीटीआई से मुज़ाकरात आगे ना बढ़ सकी बात। अदालती हुक्म के बाद हुकूमती नुमाइंदों ने पीटीआई क़यादत से राबता किया। अयाज़ सादिक और साद रफीक ने असद कैसर को बातचीत का पैगाम दिया। साबिक स्पीकर ने असद उमर को आगाह किया। फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और मरियम नवाज के ट्वीट ने रंग में डाल दी भंग। मुलाकात कहाँ होगी, ताहाल हतमी फैसला ना हो सका। असद उमर ने कहा यह सिर्फ और सिर्फ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। खलीजी रियासतों यूरोप, अमरीका और कनाडा में ईद उल फितर नमाज ईद के बाद मिलने मिलाने का सिलसिला जारी। सऊदी अरब, अरब अमारात, बहरीन, कतर और कुवैत में पाकिस्तानी फैमिलीज की दावतें, पुरतकल्लुफ पकवानों से मेहमान नवाजी, तवाज़ो, बच्चों की खुशी भी काबिल दीद। तुर्किया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन में भी ईद। ईरान, इराक, भारत, बांग्लादेश और मलेशिया समेत कई ममालिक में यकम शवाल कल है। और फलस्तीनियों ने इसराइली फौज की तमाम पाबंदियों को जूते की नोक पर रख दिया। काबिज फौज की जारहियत और पाबंदियों के बावजूद ईद क़िबला अव्वल में नमाज की अदायगी। 2,50,000 अफराद ने नमाज ईद में शिरकत की, फलस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ की। ख़वातीन और बच्चों की खुशी काबिल दीद। मकबूज़ा बैतुल मक़द्दस के इतराफ में खूब गहमा गहमी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा किया और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे, जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।